हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू फ्रेश फार्मेसी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फोर्थ टॉपिक, जिसका नाम है पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल एंड सॉर्बिटोल्स। इससे पहले हमने तीन टॉपिक कवर कर लिए थे, जो कि हैं सॉल्वेंट एंड सॉल्युबलाइजर्स, दूसरा है साइक्लोडेक्स्ट्रिंस एंड दियर एप्लीकेशंस, और तीसरा है नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स एंड दियर एप्लीकेशंस। जिसमें से नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स एंड दियर एप्लीकेशंस ये वाला टॉपिक है, ये काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर में आने के चांसेस इसके हैं, तो इसको जरूर तैयार कर लेना। और बाकी जो साइक्लोडेक्स्ट्रिन है, ये पिछली बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 10 नंबर में पूछा गया था। बाकी ये सेकेंड यूनिट पूरी इंपॉर्टेंट है, और जो थर्ड यूनिट है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल्स एंड सॉर्बिटोल्स। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा 12 मई को एग्जाम है, यानी कि 2 दिन बाद, तो उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी लेक्चर्स अपलोड करूँ। आपने देखा कल मैंने 3 लेक्चर एक दिन में अपलोड किए, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। बाकी मैं इतना कर सकता हूँ कि आपका थर्ड यूनिट तक पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, और अगर रहा तो जो फिफ्थ वाली यूनिट है इसको भी मैं जल्दी से जल्दी आपके एग्जाम से पहले नोट्स बना के या फिर लेक्चर बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि फिफ्थ यूनिट से 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 7-7 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और 2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आपकी ये 4 यूनिट कंप्लीट हो जाए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ, तो आपका काफी ज्यादा पोर्शन जो है कवर हो जाएगा। और साथ में हो सका तो 2 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फोर्थ यूनिट के, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग टेंशन मत लेना, 12 तारीख को आपका एग्जाम है, तो उससे पहले मैं ये सेकेंड यूनिट तो पूरी कंप्लीट कर दूंगा, और इसके हैंड रिटन नोट्स भी आपको साइट पर अवेलेबल करवा दूंगा, और आज शाम तक सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी जो थर्ड यूनिट है वो हम कल स्टार्ट कर देंगे, और वो आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगी। अगर नहीं हो पाएगी तो उसके नोट्स जो है मैं आपको कल शाम तक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों यूनिट के नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मैं इतना कर सकता हूँ, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। और जो मैं लेक्चर्स है, मैं रात को 2 बजे 1 बजे ये रिकॉर्ड करता हूँ ज़्यादातर। और आप लोगों से कुछ बात कहनी थी कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसके बाद कोई ना कोई डिसलाइक कर देता है, तो उससे मुझे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यार तुम लोगों को 1 मिनट नहीं लगता है कि वीडियो को डिसलाइक करना, लेकिन मुझे यहाँ काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। लेक्चर्स रिकॉर्ड करो, नोट्स बनाओ, उनमें काफ़ी दिन लगते हैं, बहुत रिसर्च इधर उधर करना पड़ता है। फिर आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बनाता हूँ, तो आप लोग बस इतना कर दीजिए कि आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए और समझ लीजिए, और मुझे एक छोटी सी कमेंट कर दिया करो, जिससे मैं मोटिवेट हो जाया करूँ और आगे लेक्चर्स बनाने के लिए। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स क्या होता है, ये मैं आपको बता दूं, ये यूनिट टू का फोर्थ टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स होते क्या है। इससे पहले हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एक जगह पढ़ चुके हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन मैं आपको चलो बता देता हूँ यहीं पर कि जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स हमने सॉल्वेंट एंड सॉल्युबलाइजर्स में पढ़ा था। अगर आपने वो वाला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो वो वाला लेक्चर जरूर देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स क्या होता है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल इज ए वाटर सोल्यूबल पॉलीमर विच इज ए सीरीज ऑफ मोनोमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। देखो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, ये एक वाटर सोल्यूबल पॉलीमर होता है, जो कि क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, उसके कई सारे मोनोमर मिलके एक सीरीज होती है जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को बनाते हैं। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के नाम में ही छिपा है कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल के कई सारे मोनोमर मिलके पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को बनाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। विच हैव मॉलिकुलर वेट फ्रॉम 200 से 6000 एंड प्रोसेस्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ एथाइलिन ग्लाइकोल। देखो अब ये पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल बनता कैसे है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एथाइलिन ग्लाइकोल को जब हम कंडेंसेशन प्रोसेस करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल बन जाता है। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल अब देखो कहाँ यूज होता है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, सर्फेक्टेंट एंड लुब्रिकेंट। देखो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को हम सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं, सर्फेक्टेंट और लुब्रिकेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट वाटर सोल्युबिलिटी एंड बायो कंपेटेबिलिटी, बायो जो इसकी जो क्या होता है, वाटर सोल्युबिलिटी अच्छी होती है और इजीली सबके साथ कंपेटेबल हो जाता है, इसीलिए क्या करते हैं हम पीईजी यानी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को हम सॉल्वेंट, सर्फेक्टेंट और लुब्रिकेंट की तरह यूज कर सकते हैं। बाकी आप देख लेते हैं, इट इज कॉमनली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ टॉपिकल, जो फार्मुलेशंस होती हैं हमारी टॉपिकल फार्मुलेशंस, उनमें यूज होता है। अब टॉपिकल फार्मुलेशन कौन सी होती हैं, जो हमारी स्किन के ऊपर यूज की जाती हैं, जैसे कि क्रीम्स हो गया, जेल्स हो गए, इनमें पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल यूज होता है।
आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पॉलीएथाइलीन ग्लाइकोल क्या होता है। अगर दो नंबर में आ जाता है तो आप आसानी से बनाकर लिख सकते हो, उसमें कोई टफ लैंग्वेज नहीं लिखी है और ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इसकी टेंशन मत लीजिए आप। अब जो पॉलीएथाइलीन ग्लाइकोल्स होते हैं, पॉलीएथाइलीन ग्लाइकोल कई सारे ग्रेड के बेसिस पे कई सारे टाइप के होते हैं। अब देखो उनके टाइप्स यहाँ पर लिखे हैं और उनका मॉलिकुलर वेट लिखा है यहाँ पर, आप थोड़े बहुत दो तीन याद कर लेना। वैसे अगर आप सब याद कर लेते हो, इधर वाले नंबर मत चेंज करना, इधर वाले थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाएं कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्ट नहीं इतना होता है, लेकिन इधर वाले आप सारे याद कर लेना। और ये अगर आप एग्जाम में लिख देते हो तो आपका आंसर थोड़ा इफेक्टिव लगेगा और मार्क्स जो है आपके नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो पीजी है यानी कि पॉलीएथाइलीन ग्लाइकोल 200, उसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो 190 से 210 होता है, और जो पीईजी 300 है उसका 290 से 310, पीईजी 400 है उसका कितना है 380 से 420 के बीच में होता है। कि आप क्या कर सकते हैं, 380 और 420 के बीच में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, मतलब लिख देना कुछ भी का मतलब नहीं, अगर याद कर लो तो अच्छी बात है। और जो पॉलीएथाइलीन ग्लाइकोल 600 है उसका क्या होता है 570 से 603 मॉलिक्यूलर वेट होता है। 1000 पीजी 1000 का कितना होता है 950 से 1000 के बीच में होता है। 1500 का कितना होता है 1400 से 1500 के, मतलब जो इनका नंबर है उसी के बीच में इनका मॉलिक्यूलर वेट है, तो आप आसानी से उसके बीच में कुछ लिख सकते हो, इसे आपका आंसर इफेक्टिव लगेगा अगर आप इसको याद कर लेते हो। 4000 पीजी 4000 का क्या है 3700 से 4300, पीजी 6000 का कितना है 5500 से 6500, और एक और होता है पीजी 8000 जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 7500 से 8500 के बीच में। अब हमने देख लिया इसके टाइप्स, देख लिए हमने पॉलीएथाइलीन ग्लाइकोल, देख लिया क्या होता है। अब हम देख लेते हैं इसके एप्लीकेशन की ये कहाँ कहाँ यूज होता है। हालांकि आप डिफिनेशन में ही इसके एप्लीकेशन देख चुके हो आधे से ज्यादा, लेकिन फिर से मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। अगर आ जाता है कि पॉलीएथाइलीन ग्लाइकोल क्या है और इसके एप्लीकेशन बताओ तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो। इसका एप्लीकेशन है इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। अभी हमने देखा कि ये सॉल्वेंट की तरह यूज किया जा सकता है, ठीक है, कि सॉल्वेंट की तरह मतलब कि किस कोई भी हमारी एपीआई होगी एक्सिपिएंट उसको डिसॉल्व करने में एपीजी जो होता है यूज किया जा सकता है। इट इज यूज्ड एज सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट की तरह भी यूज किया जाता है। पीजी है सोल्यूबलाइजर, सर्फेक्टेंट क्या है सोल्यूबलाइजर होते हैं जो हमारी पुअरली सोल्यूबल ड्रग होती है उनकी जो सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, तो पीजी उसकी तरह भी यूज किया जा सकता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जा सकता है इसको, ठीक है। चौथा इसका एप्लीकेशन है व्हेन इट इज एडेड टू ड्रग फॉर्मुलेशन देन इट इंप्रूव द स्टेबिलिटी सॉल्युबिलिटी एंड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। अब मैं आपको बता दूं, आप किसी भी एक्सिपिएंट या कोई भी एजेंट जो आप पढ़ रहे हो इसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, तो उसका एक एप्लीकेशन आप खुद से बनाकर लिख सकते हो, या किसी भी फार्मास्यूटिकल ड्रग या फिर फॉर्मुलेशन में क्या होता है ये क्यों यूज किया जाता है एक्सिपिएंट, हमारी जो ड्रग की स्टेबिलिटी सॉल्युबिलिटी बायो अवेलेबिलिटी बढ़े, इंप्रूव हो, इंक्रीज हो, उसकी वजह से हम क्या करते हैं इनको यूज करते हैं, तो ये आप अपने खुद से लाइन बनाकर लिख सकते हो। पांचवा एप्लीकेशन क्या है इसका, इट इज यूज्ड इन द पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। ये क्या होता है पीजी पॉलीएथाइलीन ग्लाइकोल पर्सनल केयर प्रोडक्ट में यूज होता है, और कौन कौन से होते हैं वो स्किन क्रीम्स और लोशन शैम्पूज ये होते हैं, इनमें पीजी को यूज किया जाता है। छठवा एप्लीकेशन है इन सॉलिड डोजेस फॉर्म पीजी यूज्ड एज बाइंडर एजेंट, पीजी जो होता है बाइंडर एजेंट की तरह यूज होता है, एपीआर और एक्सिपिएंट को बाइंड करने में पीजी का रोल होता है। अब सातवा एप्लीकेशन क्या होता है पीजी जो 6000 होता है 6000 इज यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ लोजेंजेस, जो लोजेंजेस हमारी फॉर्मुलेशन होती है उसमें यूज होता है पीजी 6000, ठीक है। पॉलीएथाइलीन ग्लाइकोल की सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं कि मतलब वो किसमें सॉल्युबल है किसमें नहीं सॉल्युबल है। देखो दो टाइप का हम इसमें यूज करते हैं, पहला लिक्विड पॉलीएथाइलीन ग्लाइकोल और दूसरा सॉलिड पॉलीएथाइलीन ग्लाइकोल। लिक्विड वाला जो होता है वो एसीटोन अल्कोहल बेंजीन ग्लिसरीन इनमें इन सब में क्या होता है सॉल्युबल होता है, और जो सॉलिड वाला जो हमारा होता है सॉलिड पॉलीएथाइलीन ग्लाइकोल वो एसीटोन डाइक्लोरोमीथेन इथेनॉल मीथेनॉल इनमें क्या होता है सोल्यूबल होता है, और ये किसमें इनसोल्यूबल होता है जो हमारे ऑयल्स होते हैं उनमें इनसोल्यूबल होता है। तो आपने यहाँ पर इसकी सोल्युबिलिटी देख ली। अब हम बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, इसी में जो नेक्स्ट टॉपिक है सॉर्बिटॉल्स। सॉर्बिटॉल्स क्या होते हैं, सॉर्बिटॉल इज ए सुगर एल्कोहल विच आर यूज एज स्वीटनर एंड ह्यूमेक्टेंट इन फूड एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। सॉर्बिटॉल क्या होते हैं सुगर एल्कोहल होते हैं, मतलब एल्कोहल का टाइप है सॉर्बिटॉल, जो कि क्या होते हैं स्वीटनर एजेंट की तरह यूज होते हैं, मतलब कोई भी हमारी ड्रग है जिसका अनप्लीजेंट टेस्ट है उसको मास्क करने के लिए क्या किया जाता है सॉर्बिटॉल को यूज किया जाता है, और ये ह्यूमेक्टेंट की तरह भी यूज किया जाता है हमारे किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ह्यूमेक्टेंट क्या होते हैं, ह्यूमेक्टेंट जो होते हैं मॉइस्चराइजिंग एजेंट होते हैं, मतलब एंटी एजिंग एजेंट होते हैं, जो कि हमारे जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट होते हैं स्किन क्रीम्स लोशन शैम्पूस इनमें यूज किया जाता है ह्यूमेक्टेंट को।
ठीक है, आप समझ गए होंगे कि ह्यूमेक्टेंट क्या होता है और सोर्बिटोल ऐसे यूज किया जाता है। अब सोर्बिटोल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो देख लेते हैं, सोर्बिटोल कैसा दिखता है, क्या उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सोर्बिटोल जो होता है कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता उसका, और जो क्रिस्टलाइन नेचर मतलब क्रिस्टल फॉर्म में होता है सोर्बिटोल। सोर्बिटोल वाटर में सोल्युबल होता है, सोल्युबल इन वाटर, स्वीट टेस्ट होता है। इसका जो सोर्बिटोल क्या है स्वीटनर की तरह यूज हो रहा है, तो इसका जो टेस्ट होगा वो मीठा होगा यानी स्वीट होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके एप्लीकेशन यानी यूजेस। देखो सोर्बिटोल अगर पूछेगा तो सोर्बिटोल की डेफिनेशन पूछ लेगा और उसके क्या पूछेंगे एप्लीकेशन पूछ लेगा। तो यूजेस हम इसके देख लेते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज एन एक्सिपिएंट इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, किसी भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में इसको हम एक्सिपिएंट की तरह यूज करते हैं। दूसरा, इट इज यूज्ड एज ए फिलर वाइंडर इन टेबलेट फॉर्मुलेशन, को जो हमारी टेबलेट फॉर्मुलेशन होती है, टेबलेट जो ड्रग होती है उनमें क्या होता है फिलर और बाइंडर की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड एज ए व्हीकल फॉर लिक्विड फॉर्मुलेशन, कोई भी लिक्विड फॉर्मुलेशन हो उसमें हम क्या करते हैं व्हीकल यानी सॉल्वेंट की तरह इसको हम यूज कर सकते हैं। और चौथा इसका एप्लीकेशन क्या है, पार्टिकुलरली यूज्ड इन च्यूएबल टेबलेट, जो हमारी च्यूएबल टेबलेट होती है जो चबाकर खाई जाती है, यानी जो चबाकर खाई जाती है उनमें क्या होता है इनको यूज किया जाता है, क्योंकि ये मीठी होती है तो इनको च्यू करके आप चबाकर खा सकते हो, उनमें यूज किया जाता है। पांचवा इसका एप्लीकेशन क्या है, यूज्ड एज ए स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर की तरह हम यूज करते हैं, मतलब अपनी ड्रग को उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको स्टेबल फॉर्म में रखने के लिए हम क्या करते हैं स्टेबलाइजर की तरह सोर्बिटोल को यूज करते हैं। सोर्बिटोल कैन बी यूज्ड एज ए स्टेबलाइजर इन वैक्सीन्स, प्रोटीन्स एंड अदर बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट होते हैं, टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन एंड इंप्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। कहने का मतलब यह है कि सोर्बिटोल जो होता है स्टेबलाइजर की तरह यूज होता है, किसमें यूज होता है वैक्सीन, प्रोटीन और जो अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं वैक्सीन वगैरह में उनको सोर्बिटोल को यूज करते हैं, जिससे कि हमारी जो ड्रग है वो डिग्रेड नहीं होती है और उसकी स्टेबिलिटी जो होती है स्टेबिलिटी बढ़ती है। और जैसे कि जब हम स्टोर करेंगे अपनी ड्रग को या फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसमें अगर ड्रग हमारी स्टेबल होगी तो उसमें क्या होगा कोई भी खराबी नहीं आएगी। अब इसका छठवां एप्लीकेशन है एज ए स्वीटनर, मतलब सोर्बिटोल को हम स्वीटनर की तरह यूज करते हैं। अभी आपने स्टार्टिंग में डिफिनेशन में ही देखा कि सोर्बिटोल किस तरह यूज होता है, तो स्वीटनर की तरह यूज होता है, क्या करेगा, इट कैन बी यूज्ड एज स्वीटनर इन लिक्विड फॉर्मुलेशन लाइक सिरप्स एंड सस्पेंशन टू इम्प्रूव दियर टेस्ट एंड पैलेटेबिलिटी। मतलब कि ये जो हमारी जो सोर्बिटोल होता है वो सिरप सस्पेंशन में हम क्या करते हैं उसको स्वीटनर की तरह यूज करते हैं, स्वीटनर एजेंट की तरह यूज करते हैं, जो कि हमारी टेस्ट को क्या करती है इन्हेंस करता है, बढ़ाता है, और जो पैलेटेबिलिटी जो पेशेंट जो होते हैं उनको लेने में उसको दिक्कत नहीं होती है, आराम से वो ले सकते हैं मेडिसिन को, ज्यादा उनको कड़वी नहीं लगेगी, मतलब मीठी लगेगी एक हिसाब से। ओवरऑल सोर्बिटोल इज ए वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सोर्बिटाइल जो होता है वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट होता है, मतलब उसको हम कई ज्यादा उसके यूजेस कर सकते हैं, जैसे कि फिलर की तरह, वाइंडर की तरह, सॉल्वेंट की तरह, ठीक है, स्टेबलाइजर की तरह, स्वीटनिंग एजेंट की तरह। तो ये क्या है, एक वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट होता है एंड इट्स लो टॉक्सिसिटी एंड हाई सॉल्युबिलिटी एंड स्वीट टेस्ट मेक इट ए पॉपुलर चॉइस फॉर वेरियस एप्लीकेशन। कई सारे एप्लीकेशन के लिए क्या करते हैं हम इसके जो टॉक्सिसिटी बहुत कम होती है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है और जो इसका टेस्ट होता है स्वीट होता है, उसकी वजह से ये कई ज्यादा यूज किया जाता है हमारा सोर्बिटोल। अब कुछ हमने इसके यूजेस टेबल फॉर्म में लिखे हैं जो कि कंसंट्रेशन के बेसिस पे लिखे हैं, मतलब कोई भी हमारा जो सोर्बिटोल है वो किस कंसंट्रेशन में किस फॉर्मुलेशन में कितना यूज हो रहा है, तो उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे लिखा है। देखो टेबलेट एंड कैप्सूल्स में क्या होता है, हम इसको एज ए फिलर और वाइंडर डाइल्यूएंट की तरह यूज करते हैं। अब कितना कितना परसेंट यूज करेंगे सोर्बिटोल को, तो हम देख लें 10-90% क्या होता है उसके, मतलब जो फॉर्मुलेशन जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं 10-90% सोर्बिटोल को यूज करते हैं टेबलेट और कैप्सूल में। ठीक है, अब जो दूसरा हमारा क्या इसका यूजेज होगा, मतलब इन लिक्विड फॉर्मुलेशन जैसे सोर्बिटोल यूज इज ए स्वीटनर स्टेबलाइजर व्हीकल। लिक्विड फॉर्मुलेशन में हम क्या करते हैं सोर्बिटोल को स्वीटनर स्टेबलाइजर और व्हीकल की तरह यूज करते हैं। अब किसमें, जैसे सीरप हो गया, सस्पेंशन हो गया, सोल्यूशन, इनमें हम इनको स्वीटनर स्टेबलाइजर व्हीकल की तरह यूज करते हैं। लोअर देन टेबलेट एंड कैप्सूल विच इज अराउंड 5%, मतलब जितना हम टेबलेट या कैप्सूल में सोर्बिटोल की कंसेंट्रेशन यूज कर रहे थे उससे कम हम क्या करेंगे इसमें हम लिक्विड फॉर्मुलेशन में यूज करेंगे जो कि 5% है। ओके, अब यहां पर देख लेते हैं तीसरा टॉपिकल फॉर्मुलेशन। पहला हमने टेबलेट
सॉलिड वाला देख लिया, ठीक है, टॉपिकल सॉरी टेबलेट एंड कैप्सूल देख लिया, लिक्विड फॉर्मुलेशन देख लिया, आप टॉपिकल फॉर्मुलेशन में कितनी कंसंट्रेशन यूज करेंगे सोर्बिटॉल की वो देख लेते हैं। सोर्बिटॉल यूज्ड एज ए ह्यूमेक्टेंट एंड मॉइस्चराइजर इन टॉपिकल फॉर्मुलेशन। अभी मैंने आपको बताया था ह्यूमेक्टेंट क्या होता है, मॉइस्चराइजिंग एजेंट होता है, एंटी एजिंग एजेंट होता है, जो कि हमारे पर्सनल फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट के प्रोडक्ट होते हैं उनमें यूज किया जाता है, जैसे कि क्रीम, लोशन, जेल्स, इनमें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब कितना परसेंट यूज किया जाएगा, 5 से 10% हम सोर्बिटॉल को अपनी इन फॉर्मुलेशंस में यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, मैंने बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। बाकी हैंड रिटन नोट्स आपको जल्दी आज शाम तक मिल जाएंगे और मैं सेकेंड यूनिट आज शाम तक पूरी कंप्लीट कर दूंगा, लेक्चर्स भी डाल दूंगा, नोट्स भी आपको साइट पर अवेलेबल करवा दूंगा। बाकी जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट के लेक्चर्स कल आएंगे, आधे से ज्यादा आ जाएंगे, और अगर नहीं हो पाएगा तो शाम तक आपको थर्ड यूनिट के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। और जो मैं सोच रहा हूँ कि फिफ्थ यूनिट भी थोड़ी कवर कर ली जाए या फिर उसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप खुद पढ़ लेना, जिससे आपकी कम से कम 4 यूनिट तो कंप्लीट हो जाएंगी और आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। बाकी वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिनको जरूरत है और उनके एग्जाम्स हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने देखा है कि कम से कम 99% लोग देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, बाकी 1% लोगों ने सब्सक्राइब किया है जो हमारी वीडियो को देखते हैं, तो इसीलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, काफी ज्यादा मेहनत लगती है। इसी के साथ चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।